भारत के चंद्रयान 3 से मिली जानकारी पाने के लिए अमेरिका और रूस दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के चंद्रयान 3 से मिली सूचना का अमेरिका और रूस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदित्य एल्बन ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता दिलाई है। मंत्री ने कहा कि भारत के चांद और सूर्य मिशन से पता चलता है कि देश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा। इस क्षेत्र का पहला अध्ययन नहीं हुआ था। हमने चंद्रमा के वायुमंडल, खनिजों और तापीय स्थितियों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित किया है। इसके निष्कर्षों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। रूस और अमेरिका ने भारत से पहले चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे थे और अब दोनों देशों को भारत से गहरी उम्मीद है कि हम अपनी जानकारी उन्हें शेयर करेंगे। सिंह ने कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आज भारत का समर्थन करना चाहती है। अमेरिका और रूस इस पर भारत की ओर से जानकारी साझा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आदित्य मिशन ने वीडियो भेजना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, हमारा चंद्रयान 3 चांद की धरती पर पानी के अणु यानी H2O होने के सबूत जमा कर चुका है और इससे पता चलता है कि यहाँ जीवन की संभावना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को चंद्रयान 3 की जानकारी अमेरिका और रूस के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।